आज जो है हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें बहुत सारे आइटम्स थे, कोई लगभग 22 के करीब जो आइटम्स थे जिन पे कैबिनेट ने आज फैसला किया है। पहला जो फैसला किया है वो हमारा जो सेवन्थ फाइनेंस कमीशन स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, मैंडेटरी है, जिसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स जो है जो पंचायत में है और अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ में, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड किस तरह से होगा, उसमें जो है सेवन्थ फाइनेंस कमीशन को बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जो है जो मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में बजट में अनाउंसमेंट की थी, जिसमें बहुत सारे जो कर्मचारी हैं या बहुत सारी घोषणाएँ हैं, उसको आज जो है कैबिनेट ने अमली जामा पहनाया है, जिसमें से कि 1 अप्रैल 2024 से जो मानदेय बढ़ाया गया है, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, सिलाई अध्यापिका है, मल्टीटास्क वर्कर आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के दोनों हैं, एसएमसी टीचर्स है और आईटी टीचर्स है, इनका मानदेय एसएमसी और आईटी टीचर का 1900 रुपये बढ़ाया गया है। ये सारे का सारा जो है जो बढ़ाई गई थी सैलरीज को बढ़ा, उसको किया है। इसके अलावा जो हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, मेंबर हैं, ज़िला परिषद के मेंबर हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ के हमारे जो नगर परिषद के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर हैं, इन सब का जो मानदेय है जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में की थी, उनको 1 अप्रैल 2024 से जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वो सब ही कर्मचारियों को मिल जाएगी। इसके अलावा बजट में घोषणा की थी कि जो विडोज़ हैं और एकल नारी हैं उनको मकान बनाने के लिए जो है 3 लाख रुपए जो है वो घर बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की थी कि 70 साल से अधिक जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, उन सब का जो इलाज है वो मुफ्त में किया जाएगा। इस स्कीम को भी जो है आज कैबिनेट ने जो है अपनी जो है मोर लगाई है। इसके अलावा और आइटम्स जो हैं वो जिन पे चर्चा हुई और जिन पे फैसला लिया गया है, वो हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी 2019 की थी, उसमें जो है हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की थी, जैसे एजुकेशन है, आयुष है, अब हमने जो है उसमें जो हाउसिंग है उसको भी जो है उसको ऐड कर दिया गया है, ताकि हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो कोई लोग कर्म जो फैक्ट्रीज लगेंगी तो उसमें जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है उसको बनाने के लिए भी इसमें सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा जो है पुलिस कॉन्स्टेबल रूल्स 2024 में भी अमेंडमेंट किए, क्योंकि अभी जल्द जो है वो 1200 के करीब जो है पुलिस कॉन्स्टेबल्स की भर्तियां जो है वो होने जा रही है, तो उसमें रूल्स में कोई अमेंडमेंट थे वो अमेंडमेंट जो है वो कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है सुन्नी हस्पताल जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल था उसको बढ़ा करके जो है 100 बेडेड हॉस्पिटल करने की कैबिनेट ने जो है आज मंजूरी दी है। इसके अलावा जो है कांगड़ा में जो है जिला कांगड़ा के सुरानी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस BDO ऑफिस जो है खोलने की आज कैबिनेट ने जो है अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा हम जो लैपटॉप्स देते थे हिमाचल प्रदेश में 10th और 12th के स्टूडेंट्स को लैपटॉप देते थे, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के माध्यम से डिपार्टमेंट खरीद करके उनको देता था, अब सरकार ने फैसला किया, डिपार्टमेंट ने फैसला किया जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी है कि बच्चे अपनी चॉइस का जो लैपटॉप है, लैपटॉप है या टेबलेट है, उसको अपनी चॉइस की बच्चों जो है वो अपने आप खरीदेंगे। लगभग 10,500 के करीब जो है हर वर्ष जो है ये लैपटॉप और टेबलेट्स जो है दिए जाते हैं, और उन वो अपने चॉइस से अपने किस्म का वो खरीदेंगे। 25,000 रुपीज़ पर जो है वो टेबलेट उसके दिए जाएंगे, और उसकी जो पेमेंट है वो बिल प्रोड्यूस करने पे उनके डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो उसकी पैसे जो है वो जमा करा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर की पोस्ट जो बहुत समय से खाली पड़ी हुई थी उसमें रिलैक्सेशन देने के डायरेक्टर के लिए जो पोस्ट है उस रिलैक्सेशन जो है वो आज प्रदान की गई है।
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो है क्लास सी नॉन गैजेट पोस्ट है उसमें भी अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स में है वो अमेंडमेंट जो है वो दी गई है। एक और विषय जो था हमारी सरकार ने लगभग 200 के करीब जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की जो है रिक्रूटमेंट की है और उनकी जल्द पोस्टिंग करने जा रहे हैं। उसमें इन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि जो हार्ड एरियाज थे जो कठिन ज़िले थे चंबा है मंडी है लाहौल स्पीति है किन्नौर है भरमौर है अभी तक पॉलिसी ये थी कि इन कठिन जिलों में ही डॉक्टरों की आयुर्वेदिक डॉक्टरों की पोस्टिंग की जा रही थी। अब अधिकांश पोस्टें जो है हार्ड एरियाज में पूरी हो चुकी हैं और जो और ज़िले रह गए थे 5 ज़िले थे उनमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की वैकेंसीज बहुत काफ़ी बढ़ गई थी। इसलिए कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब पहले 100% पोस्टिंग कठिन जिलों में होती थी अब उसको रिड्यूस करके 50% जो है वो हार्ड जिलों में की जाएगी और 50% जो है दूसरे 5 ज़िले हैं जैसे कांगड़ा है हमीरपुर है बिलासपुर है ऊना है और सोलन है इन ज़िलों में जो है वो पोस्टिंग जो है इनके की जाएगी। इसके अलावा जो है और विस्तृत चर्चा जो है वो कैबिनेट में बहुत सारे विषय पे हुई है और सारी कैबिनेट ने जो है वो मुख्यमंत्री को बधाई दी है और जिस कठिन दौर से जो है सरकार जो है वो निकली है सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए सरकार को गिराने के लिए जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए थे उसको मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबने मुख्यमंत्री को बधाई दी है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है। और जो हमारा बजट है 2024-25 का उसको जो है पास करके जो है वो हाउस से जो है हुआ है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विश्वास है आस्था है कैबिनेट जो है वो पूरी जो है व्यक्त की है। वीरभद्र सिंह जो वीरभद्र सिंह जी प्रतिमा के विषय है वो आज मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी के में चर्चा हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो है दोनों के बीच में बात हुई और मुझे लगता है ये सॉर्ट आउट हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।